हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, जो ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं, जो सबसे फेमस एग्जांपल है और सबसे पॉपुलर एग्जांपल है, जो है सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक। अब ये सरल लोलक होता क्या है? तो सरल लोलक में कुछ नहीं है, एक डोरी होती है और उस डोरी से एक पॉइंट मास लटका हुआ होता है, एम मास का, एम द्रव्यमान का एक पॉइंट द्रव्यमान या बिंदु द्रव्यमान होता है। क्लियर। अब ये डोरी एल लंबाई की है और इस पॉइंट द्रव्यमान की वैल्यू है एम। क्लियर। अब ये अपनी मध्य स्थिति के दोनों तरफ ऐसे ऑसिलेट होता है और ये मध्य स्थिति से बहुत ज़्यादा विस्थापित नहीं है, थोड़ा सा विस्थापित है इधर और थोड़ा इधर। यानी ये मैं जो इसका डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ इस तरफ x और इस तरफ x, ये लगभग लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर। अब अपन बात करें, ये जो डोरी है वो डोरी किस प्रॉपर्टी की है या इस डोरी की क्या क्या प्रॉपर्टीज है या इस डोरी के गुण क्या क्या है? तो पहला इसका गुण है वो है ये डोरी मासलेस है, मासलेस, द्रव्यमान ही नहीं ये डोरी। दूसरा इसका गुण है ये डोरी इनएक्सटेंसिबल है, इन एक्सटेंसिबल यानी ये डोरी अतन्य है, यानी जितनी लंबाई की है उतनी ही रहेगी। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे ये 5 सेंटीमीटर की डोरी लटकी हुई है तो ये हमेशा 5 सेंटीमीटर की रहेगी, इसके नीचे छोटा द्रव्यमान लटका दें या बड़ा द्रव्यमान लटका दें, ये डोरी अपनी लंबाई में वृद्धि नहीं करेगी। वैसी ये होती है इनएक्सटेंसिबल डोरी। और तीसरा इसका जो गुण है वो है फ्लेक्सिबल है ये डोरी, फ्लेक्सिबल यानी ये डोरी पूरी तरह से लचीली है। आप अगर इस डोरी को ऐसे मोड़ करके कैसे भी आप रख दोगे तो वैसी रहेगी, उस वो अपने एंठन की वजह से वहां से हिलेगी डुलेगी नहीं। क्लियर। अब अपन बात करें इसके बारे में, इस सेटअप के बारे में, तो मैं जैसे ही ऐसे साम्यावस्था में ऐसे लटके हुए पेंडुलम को या साम्यावस्था में डोरी से बंधे हुए इस पॉइंट मास को हल्का सा इस तरफ ले जा करके या डिस्प्लेस करके यहाँ से छोड़ूं तो ये अपनी मध्य स्थिति के दोनों तरफ इस प्रकार से ऑसिलेट करता है। तो हमें पहले तो ये चेक करना है या ये प्रूव करना है कि क्या ये पेंडुलम या क्या ये दोलन सरल आवर्ती दोलन है। ठीक है, अगर ये सरल आवर्ती दोलन होंगे तो सरल आवर्ती दोलनों की शर्त पूरी करेंगे। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे, पहले तो हम लोग इसकी जो सरल आवर्त गति की जो कंडीशन है यानी उसका जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो एक्सेलरेशन कैसे आ रहा है, क्या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती है और इसके विपरीत दिशा में है, तो ऐसा होने पर हम लोग इसको प्रूव कर पाएंगे कि ये सरल आवर्त गति है। तो सबसे पहले मैं जैसे ही इसको माध्य स्थिति से हल्का सा डिस्प्लेस करता हूं तो इस पे जो प्रत्यानयन बल लगता है, तो पहले बात करूं प्रत्यानयन बल की, प्रत्यानयन बल जो प्रत्यानयन बल वो बल है जो इसको मध्य स्थिति की तरफ लाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स, यानी मध्य स्थिति से डिस्प्लेस करने के बाद में जो वापस मध्य स्थिति की तरफ खींचता है वो होगा रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो अब बताइए इस पेंडुलम, इस मास पर 3 प्रकार के फोर्स या 2 प्रकार के फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के फोर्स? एक तो एम जी और एक ये टेंशन फोर्स टी। ठीक है, धागे के अंदर तनाव, स्ट्रिंग के अंदर जो तनाव है वो। अब इस mg के 2 कंपोनेंट करूँ, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। mg cos थीटा t से बैलेंस हो रहा है और mg sin थीटा है वो प्रत्यानयन बल का काम कर रहा है। तो प्रत्यानयन बल मेरे पास F बराबर हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, एंड फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, मैं बहुत ही छोटा विस्थापन कर रहा हूँ तो ये लगभग थीटा के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से प्रत्यानयन बल का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा F इक्वल टू एम जी और साइन थीटा की जगह थीटा पुट कर सकता हूँ। ठीक है, और अब मैं इस चाप खंड को अगर मैं देखूँ, ये और ये, इसमें ये वाली दूरी लगभग x है। ठीक है, और ये है इसकी त्रिज्या, तो हम लोग जानते हैं कि कोण थीटा इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, तो चाप है x और त्रिज्या है l। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट करूं तो यहां से प्रत्यानयन बल आता है, प्रत्यानयन बल F इज इक्वल टू एम जी एक्स अपॉन l। क्लियर, और ये आया बल का फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे देखें, हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है,
ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। यहां पे मैं एफ का फॉर्मूला ये वाला पुट करूं और अपॉन में एम लिखा तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा और त्वरण का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा जी अपॉन एल इंटू एक्स। क्लियर। और अगर वेक्टर फॉर्म में मैं बात करूं तो मैंने डिस्प्लेसमेंट किया है इधर की तरफ और इस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स और जो रीस्टोरिंग जो एक्सेलरेशन होगा त्वरण होगा वो लगेगा इस तरफ, तो ये वापस इसको मध्य स्थिति की तरफ लाएगा। तो यहां से मैं त्वरण का वेक्टर रूप लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू जी अपॉन एल इंटू माइनस ऑफ एक्स। क्लियर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई त्वरण की इस समीकरण के लिए। ठीक है। और हम जानते हैं कि यहां से ये जो ये तो g अपॉन l तो कांस्टेंट है, अतः a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। ये कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है। तो हम लोग यहां से पॉइंट लिखेंगे, यह सरल आवर्त गति की आवश्यक शर्त है। आवश्यक शर्त है। तो हम लोग इस इक्वेशन की तुलना करेंगे सरल आवर्त गति के समीकरण के समीकरण से। तो सरल आवर्त गति से सिंपल हार्मोनिक मोशन से ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वेक्टर। ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। ठीक है। ये सरल आवर्त गति की समीकरण है और ये हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की समीकरण है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये a समानुपाती माइनस ऑफ x है और ये समानुपाती स्थिरांक g अपॉन l हमारे यहाँ पे क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। तो समीकरण एक और दो की तुलना करने पर समीकरण एक एवं दो से कोणीय आवृत्ति ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से z अपॉन l और यहां से ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ z अपॉन l। ये आया हमारे पास कोणीय आवृत्ति का एक फॉर्मूला। और अब आगे अपन देखते हैं आवर्तकाल का समीकरण क्या होगा। तो आवर्तकाल होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहां से आवर्तकाल हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई और अपॉन में ओमेगा, इसका 1 अपॉन ओमेगा करूं तो ये g अपॉन l हो जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, उल्टा l अपॉन g हो जाएगा। क्लियर। तो यहां से ये आपके पास आवर्तकाल का फॉर्मूला आ जाएगा और ये सरल आवर्त गति कर रहे सरल लोलक का आवर्तकाल है। ठीक है। जो आवर्तकाल की जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी 2 पाई तो 2 पाई है और L पे डिपेंड करता है ये जो इसकी सरलावर्त गति की जो प्रभावी लंबाई है या सरलावर्त गति के जो ये धागे की जो प्रभावी लंबाई है इस सिंपल पांडुलम के और दूसरा गुरुत्वीय त्वरण, तो इन पे ये डिपेंड करेगा। तो आगे अपन बात करेंगे इसकी डिपेंडेंसी पे। यस। तो हम लोगों ने सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला निकाला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो इनकी अगर निर्भरता की अगर अपन बात करें तो इनकी निर्भरता आवर्तकाल की जो निर्भरता है वो पहला नंबर एक धागे की लंबाई। ठीक है। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई पर ये डिपेंड करता है। प्रभावी लंबाई पर ये कैसे डिपेंड करता है, टी समानुपाती होता है अंडर रूट ऑफ एल यानी धागे की लंबाई के या सरल लोलक की लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। अब ये जो प्रभावी लंबाई होती है वो प्रभावी लंबाई होती है जैसे मान लो मेरे पास ये पेंडुलम है और ये पेंडुलम की लेंथ और ये मेरे पास पिंड है, तो यहां पर इस धागे की लंबाई एल प्लस इस पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी ये पूरी होगी L इफेक्टिव। ये यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी L इफेक्टिव होगी। क्लियर। इस पे डिपेंड करता है कि कैसे
सरल औलक का आवर्त काल ज़्यादा होगा या कम होगा। तो अगर धागे की लंबाई या इस सरल औलक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी आवर्त काल उतना ज़्यादा होगा, मतलब ये धीमे वापस आएगा, और अगर ये लंबाई कम होगी तो ये जल्दी वापस आएगा। तो अपन देखते हैं कि अगर कोई छोटा धागा अगर लटका हुआ है तो ये ऐसे जल्दी जल्दी दोलन करता है, और अगर ऐसे कोई बड़ा सा झूला ऐसे लटक रहा है तो ये ऐसे धीमे धीमे दोलन करेगा, मतलब आवर्तकाल ज़्यादा है। ठीक है, तो अपन इस पर और भी देखें, जैसे और भी अगर अपन एग्जाम्पल लेते हैं इस पर, जैसे मान लो मेरे पास एक ऐसे झूला है और इस झूले के ऊपर यहाँ एक लड़की झूला झूल रही है, ये लड़की यहाँ पे ऐसे बैठी है और इसका आवर्तकाल अभी T1 है, तो जैसे ही ये झूले पे झूलती हुई लड़की खड़ी हो जाती है तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन बात करते हैं कि जैसे ये लड़की यहाँ पे ऐसे खड़ी होगी तो खड़ी होती ही लड़की ऐसे हो जाएगी और लड़की का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास भी ऊपर आ जाएगा। पहले लड़की का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था और इसकी जो इफेक्टिव लेंथ थी वो यहाँ तक थी, ये यहाँ तक थी पहले इफेक्टिव लेंथ, और अब ये इफेक्टिव लेंथ यहाँ तक आएगी, यानी इसकी प्रभावी लंबाई है वो यहाँ तक आएगी। तो प्रभावी लंबाई घटी है, और प्रभावी लंबाई घटी है तो आवर्तकाल डेफिनेटली घटेगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेता हूँ, तो एक और एग्जांपल जैसे देखिए आपके पास एक ऐसे पेंडुलम का धागा है और इससे नीचे आपको एक ऐसे कोई पोट कोई बर्तन है, उस बर्तन में पानी भरा हुआ है, ठीक है, ऐसे कोई पात्र है और इस पात्र के अंदर पानी भरा हुआ है, गोल पात्र है या कोई गोला है, उस गोले के अंदर पानी भरा हुआ है और उसको ऊपर धागे से बांध करके ऐसे दोलन करवाया जा रहा है और इसका आवर्तकाल अभी फिलहाल T1 है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसके नीचे एक छोटा सा हॉल कर दिया, तो पानी ऐसे बूंदों के रूप में ऐसे नीचे की तरफ टपक रहा है, क्लियर, और ये टपकते हुए पानी के साथ ऐसे सरलावर्ती दोलन कर रहा है या दोलन कर रहा है नॉर्मली। अब हम बात करें कि इसका आवर्तकाल पहले T1 था, कब, जब ये पूरी तरह से भरा हुआ था। अब ये जैसे जैसे पानी टपक करके पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे इसका आवर्तकाल किस प्रकार से प्रभावित हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये पहले पूरी तरह से भरा हुआ था तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में था और इसकी जो इफेक्टिव लेंथ थी वो ये वाली थी L, और आवर्तकाल था T=2π√L/g। अब जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा इस पानी का जो सेंटर ऑफ मास है, जैसे मान लो यहाँ पे आधा रहेगा तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा और सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा तो इफेक्टिव लेंथ है इसकी बढ़ेगी, इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगी तो आवर्तकाल शुरुआत में बढ़ेगा, और जैसे और पानी नीचे जाएगा और सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा और इसका आवर्तकाल और बढ़ेगा, और जैसे ये पूरी तरह से पानी खाली हो जाएगा, तो इस खाली पिंड का जो सेंटर ऑफ मास है वो वापस पुराने सेंटर ऑफ मास पे चला जाएगा और वापस आवर्तकाल पहले वाले आवर्तकाल के बराबर हो जाएगा, वापस T1 के बराबर हो जाएगा। तो इस एग्जांपल में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे जैसे पानी टपक रहा है आवर्तकाल बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही पानी पूरी तरह से टपक करके खाली हो गया तो आवर्तकाल वापस पहले के बराबर हो गया, क्लियर। ये पहली बात हुई कि लंबाई पर किस प्रकार से डिपेंड करता है किसी सरल लोलक का आवर्तकाल। अब अपन आगे बात करते हैं अगली डिपेंडेंसी की। आगे देखें नंबर 2, अगर अपन मैं डिपेंडेंसी की बात करूं तो नंबर 2 है गुरुत्वीय त्वरण, कि गुरुत्वीय त्वरण पर भी ये निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर भी ये निर्भर करता है, पहला निर्भरता थी एल पर और अब गुरुत्वीय त्वरण Z पर डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण पर ये आवर्तकाल कैसे डिपेंड करता है, तो इस फॉर्मूले में हम देखते हैं, फॉर्मूले में T=2π√L/g, G बटे में आ रहा है तो यहाँ पे T=1√g, यानी गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है सरल लोलक का आवर्तकाल, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं गुरुत्वीय त्वरण की अगर अपन बात करें तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह के आसपास नियत होता है, और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू घटती है तो आवर्तकाल बढ़ेगा, पहाड़ों पे चले जाएं तो वहाँ आवर्तकाल इसका और बढ़ेगा, वहाँ गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू घटके और कम हो जाएगी तो आवर्तकाल की वैल्यू और बढ़ जाएगी, चंद्रमा पे जाएंगे तो आवर्तकाल और भी ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ जी की वैल्यू पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में 1/6 ही है चंद्रमा पर, ठीक है। तो ऐसे गुरुत्वीय त्वरण पर ये डिपेंड करेगा, क्लियर। ये पृथ्वी की सतह पर एक ऐसे सरल लोलक के आवर्तकाल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो
जिसकी जो लंबाई है वो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में नगण्य है। अब अपन बात करेंगे कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में लंबाई अगर नगण्य न हो तो इसके आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होगा। और इसके अलावा अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि ये जो सरल लोलक का जो द्रव्यमान है इस द्रव्यमान पर भी क्या डिपेंड करता है इसका आवर्तकाल, बिल्कुल द्रव्यमान का कहीं फॉर्मूले के अंदर रोल नहीं है, तो द्रव्यमान पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, तो द्रव्यमान से अप्रभावित रहता है। अच्छा अगर मैं जैसे मान लो एक उदाहरण लूँ कि मेरे पास एक झूला है, उस झूले की लंबाई L है और उस पर एक लड़की झूला झूल रही है। अब ये लड़की जैसे इधर आई, झूला जैसे इधर आया तो यहाँ से एक लड़की जंप करके और इस झूले के ऊपर बैठ गई, मतलब ये जैसे ही झूला इस तरफ आया तो यहाँ से एक लड़की जंप करके इसके साथ में बैठ गई, और अब ये दोनों लड़कियाँ बैठी बैठी यहाँ पे झूला झूल रही है, तो मैं पूछूँ कि आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आवर्तकाल अप्रभावित रहेगा, बिकॉज दूसरी लड़की बैठने से न तो इसकी लंबाई बढ़ी है और न गुरुत्वीय त्वरण पर कोई फर्क पड़ा है, दोनों ही अपरिवर्तित है, तो इस झूले का आवर्तकाल है वो भी अपरिवर्तित रहेगा, बिकॉज इस लोलक का या इस सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। अब आगे अपन बात करें, अच्छा दूसरी बात अपन मैं यहाँ पे ये करूँ कि मैंने इस सरल लोलक को यहाँ से इतना विस्थापित करके छोड़ा तो ये इसका आवर्तकाल था T1, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इतना विस्थापित करके छोड़ूं तो इसका आवर्तकाल कम होगा या ज़्यादा होगा, या फिर ऐसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ से मैंने 2 डिग्री विस्थापित करके छोड़ा तो आवर्तकाल T1 है, और अगली बार मैंने 8 डिग्री विस्थापित करके छोड़ा तो आवर्तकाल कितना होगा, या आवर्तकाल में अब बढ़ेगा घटेगा अगर मैं ऐसे बात करूँ तो क्या होगा। तो अब आप ध्यान दें कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी इसमें नहीं आ रहा इस सूत्र के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि सूत्र के अनुसार इस सरल लोलक का आवर्तकाल माध्य स्थिति से कम विस्थापन या ज़्यादा विस्थापन पर डिपेंड नहीं करता है, और सही बात है, ये सरल लोलक का आवर्तकाल माध्य स्थिति से कम विस्थापन हो या ज़्यादा विस्थापन हो उस पे इसकी वैल्यू निर्भर नहीं करेगी, इसकी वैल्यू वही होगी। क्या कारण है ऐसा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से इसको हल्का सा विस्थापित करूँ तो इसको ऐसे कम दूरी तय करके वापस आना पड़ता है, और अगर मैं ज़्यादा विस्थापित करूँ तो ज़्यादा दूरी तय करके वापस आना पड़ता है। मैं अगर एक बार में अगर सोचूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा दूरी में ज़्यादा समय लगना चाहिए और कम दूरी में कम समय लगना चाहिए, तो ऐसा मैं सिर्फ और सिर्फ तभी सोचूँ कि अगर किसी एक क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ, अगर किसी एक क्वांटिटी का परिवर्तन अगर मैं देखूँ तो उस समय हमें ये देखना होगा कि क्या बाकी क्वांटिटीज़ स्थिर है। अब यहां पे बाकी क्वांटिटीज क्या है, जैसे ही मैं यहां से इसको इधर लेके गया, नजदीक ले जाकर के छोड़ा या कम विस्थापित करके छोड़ा तो ये धीमे वापस आएगा, इसकी स्पीड है वो कम होगी, और अगर मैं दूर ले जाकर के छोड़ू तो ये फास्ट वापस, मतलब इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी यहां नजदीक आते आते, तो एक फास्ट चल रहा है और एक धीमा चल रहा है, वेग अलग अलग है, तो इनका जो समय है वो वापस उतना ही होगा, यानी जो इसकी स्पीड है वो स्थिर नहीं है। इस हम लोग इस फॉर्मूले में देखते हैं, और इस फॉर्मूले से हम लोग देखें तो ये विस्थापन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि कम विस्थापन के लिए समय कम लगेगा या ज़्यादा विस्थापन के लिए समय ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं है, दोनों में समय बराबर लगेंगे। क्लियर। तो ये बात हुई एक सामान्य सरल लोलक के बारे में जो पृथ्वी के सतह के आसपास बिल्कुल नगण्य लंबाई, पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में नगण्य लंबाई का सरल लोलक है और उसके आवर्तकाल का फॉर्मूला होगा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि इसकी लंबाई अगर अब अपन बात करें कि ये एक स्टार पॉइंट डाल करके हम लोग इस पे पॉइंट लिख सकते हैं कि यदि इसकी जो लंबाई है एल आर की तुलना में नगण्य ना हो तो, सरल लोलक की लंबाई पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में नगण्य नहीं हो तो यहां आवर्तकाल का फॉर्मूला होगा T = 2π√2π√ 1/g 1/l + 1/r। ये उस समय फॉर्मूला है जब l r के कंपेयर में नेग्लिजिबल नहीं है,
अब अपन इस फॉर्मूले से ही बता सकते हैं कि एल अगर नेग्लिजिबल है तो फॉर्मूला क्या होगा और एल अगर नेग्लिजिबल नहीं है तो फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग यहां से दो केस लेते हैं। ए केस, एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, एल आर की तुलना में बहुत छोटा है, तो हम लोग देखेंगे वन अपॉन एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वन अपॉन आर। अगर यहां छोटा है तो उसका व्युत्क्रम बहुत बड़ा होगा, ठीक है, और अगर ऐसा है तो यहां पे 1 अपॉन एल की वैल्यू 1 अपॉन आर की तुलना में बहुत बड़ी है, तो 1 अपॉन आर क्या है, नेग्लिजिबल, जीरो, ठीक है। इसको अगर मैं जीरो मान लूं तो यहां पे क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट के अंदर 1 बटा जी और कोष्टक में सिर्फ 1 अपॉन एल, तो 1 अपॉन एल उल्टा होकर एल अपॉन जी बन जाएगा। तो टी का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा, यहां से टी का फॉर्मूला बनेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जो कि ये वाला सूत्र इसमें था, ये अभी अपन ने पढ़ा इसमें, ठीक है। और दूसरा केस, यदि R इज, यदि L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, यदि L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, ऐसा अगर हो तो 1 अपॉन L इज वेरी वेरी लेस देन 1 अपॉन R होगा, और इस केस में हम लोग 1 अपॉन L को नेग्लिजिबल मानेंगे और 1 अपॉन R को रखेंगे, तो यहां से T का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन z और ब्रैकेट के अंदर 1 बटे r, तो r ऊपर चला जाएगा और फॉर्मूला बनेगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन z। r की वैल्यू फिक्स है, z की वैल्यू फिक्स है, अगर ये दोनों वैल्यू रखें तो रखने के बाद में ये 84.6 मिनट ये वाली वैल्यू आएगी इस सरलोल के आवर्तकाल की, ठीक है। तो यहां पे पृथ्वी की सतह पर अगर आप L कितना ही लंबा कर दें, अगर आप पेंडुलम की लंबाई कितनी ही लंबी कर दें, तो उसका जो मैक्सिमम जो आवर्तकाल है वो T मैक्सिमम यही होगा। तो आपको अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह पर किसी सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल कितना होगा, तो आपके पास आंसर होगा 84.6 मिनट। नहीं तो आपने फॉर्मूला देखा था T इज इक्वल टू, पुराना फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, इसमें आप कहेंगे अगर L को अनंत कर दिया जाए तो T कितना होगा, अनंत होगा इस सूत्र के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पृथ्वी की सतह पर T की जो अधिकतम वैल्यू होती है वो 84.6 मिनट ही होती है। तो अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं अपन यहाँ पे, कि यदि L पृथ्वी की त्रिज्या के इक्वल है, यदि L इक्वल टू R हो तो T कितना होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू रखते हैं, इस फॉर्मूले में, इसमें इस बार ये दोनों कंडीशन नहीं है, ना तो L इज वेरी वेरी लेस देन R है और ना ही L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R है। हम लोग देख रहे हैं कि L इज जस्ट इक्वल टू R है। अगर ऐसा होगा तो T का फॉर्मूला होगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन z और ब्रैकेट के अंदर 1 बटा R प्लस 1 बटा R, क्योंकि 1 अपॉन L कितना हो गया R और 1 अपॉन R R ही, तो ये हो गया 2 बाई R और ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट R अपॉन 2G, और ये सूत्र हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट 2 को बाहर ले लें तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट R अपॉन G, और 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी की वैल्यू 84.6 मिनट है। तो यहाँ से इसका जो फॉर आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा टी इज इक्वल टू 84.6 अपॉन अंडर रूट 2 मिनट। ये आंसर हो जाएगा कि अगर किसी सरल लोलक की लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या की इक्वल हो जाए या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, ये इसका आंसर आया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड लोलक की, ठीक है। सेकंड लोलक, जैसे मान लो अपने पास ये एक सरल लोलक है पृथ्वी की सतह पर, ये एक सरल लोलक है और ये ऐसे सरलावर्ती दोलन कर रहा है, इसकी लंबाई एल है, इसका मास एम है और पृथ्वी की सतह पर है तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी है, और ये ऐसे सरल आवर्ती दोलन कर रहा है जिसका आवर्तकाल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब इसका नाम सेकंड लोलक तब होगा जब ये हर सेकंड में माध्य स्थिति को पार करेगा, हर एक सेकंड में अपनी माध्य स्थिति को ऐसे पार करेगा, ऐसे,
हर एक सेकंड में। तो यहां से इधर गया और एक सेकंड बाद में वापस यहां आया, फिर इधर गया और एक सेकंड बाद में वापस यहां आया। तो एक दोलन तो तब होगा जब ये पूरा यहां से जाकर के वापस यहां पे आए, तब होगा एक दोलन। तो यहां से यहां गया और यहां आया एक सेकंड, फिर यहां गया और यहां आया फिर एक सेकंड, तो इसका दोलन काल होगा वो दो सेकंड होगा। यानी सेकंड लोलक वह सरल लोलक है जिसका दोलन काल दो सेकंड होता है या जिसका आवर्त काल दो सेकंड होता है। तो इसका सेकंड लोलक का आवर्त काल t इज इक्वल टू 2 सेकंड होगा, ये इसका आवर्त काल हुआ। ठीक है, अब इसका नाम सेकंड लोलक क्यों है? क्योंकि ये प्रत्येक सेकंड में अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है। तो घड़ी की अगर अपनी घड़ी में अगर अपन बात करें तो अगर इस लोलक का अगर यूज हो तो ये हर सेकंड में माध्य स्थिति से गुजरेगा और जो सेकंड का कांटा है उसको एक सेकंड आगे खिसकाएगा, फिर अगली बार एक सेकंड में वापस आएगा और फिर से इसको एक सेकंड आगे खिसकाएगा, फिर इधर जाके वापस आएगा और फिर इसके टकराएगा और फिर एक सेकंड आगे खिसकाएगा। तो हर एक सेकंड में सेकंड के कांटे को ये आगे खिसकाएगा, तो वो जो सेकंड का कांटा जितनी देर बाद में आगे खिसकता है उसका टाइमिंग एक सेकंड होता है, इसलिए इसका नाम है सेकंड लोलक। ठीक है, तो ये सेकंड लोलक का आवर्त काल 2 सेकंड हो गया। और इसकी अगर लंबाई की अगर अपन बात करें सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होती है, तो इस फॉर्मूले में आवर्त काल की वैल्यू रखेंगे और आवर्त काल की वैल्यू 2 सेकंड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया और स्क्वायर कर दें तो यहां से 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन जी, और यहां से एल की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो एल बराबर यहां से आएगा जी अपॉन पाई स्क्वायर, जी अपॉन पाई स्क्वायर, जी की वैल्यू 9.8 और पाई स्क्वायर 3.14 का अगर स्क्वायर करूं तो लगभग 9.8 ही होता है। तो आप जी से पाई स्क्वायर काट सकते हैं और ये आगे के कैलकुलेशन में भी कहीं पाई स्क्वायर और जी ऊपर नीचे आ रहा है तो उनको आप इजीली काट सकते हो। तो यहाँ से जो एल की वैल्यू आ रही है वो लगभग 1 मीटर आएगी, यानी सेकेंड लोलक की जो लंबाई होती है वो 1 मीटर होती है। ये बात हुई सेकेंड लोलक के बारे में। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि एक लिफ्ट है मेरे पास, ये नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ये एक एग्जांपल है। इसमें मेरे पास एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम है और ये ऐसे दोलन कर रहा है। अगर ये लिफ्ट यहां से ऊपर से बंधी हुई है और ये ऊपर नीचे ऐसे गति करेगी, ठीक है, तो अगर ये लिफ्ट यहां स्थिर है, पहली बात स्थिर है या वी इसका नियत है, यह नियत वेग से ऊपर या नीचे जा रही है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। और उस केस में इस लिफ्ट के अंदर लटके हुए पेंडुलम का जो दोलन काल होगा वो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होगा। क्लियर। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि ये मेरे पास लिफ्ट है और ये लिफ्ट जिसमें ये पेंडुलम, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, तो दो केस यहां से बनाऊंगा मैं। अगर यहां से लिफ्ट ऊपर जा रही है ए त्वरण से और अगले केस में यहां से लिफ्ट अगर नीचे आ रही है ए त्वरण से, तो अगर आपको पता है कि कोई लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो उसके अंदर जो जी इफेक्टिव होता है वो जी इफेक्टिव होता है जी प्लस ए, और कोई लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो उसके अंदर जी इफेक्टिव होता है जी माइनस ए। इस केस में अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो इसका जो आवर्त काल होगा वो टी वन बराबर होगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए जी इफेक्टिव, और अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो इसका आवर्त काल होगा टी टू इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए। तो हम लोग देखेंगे कि एक लिफ्ट जो स्थिर है या नियत वेग से ऊपर नीचे गतिशील है उस समय उसमें लटके हुए पिंड का आवर्त काल 2 सेकंड है। तो अगर ये लिफ्ट ऊपर जाएगी तो इसका आवर्त काल जी बढ़ जाएगा, घट जाएगा, मतलब 2 सेकंड से कम होगा, और अगर ये लिफ्ट नीचे ए त्वरण से आने लग जाएगी तो इसका आवर्त काल जी घट जाएगा तो आवर्त काल बढ़ जाएगा। यानी यहां आवर्त काल 2 सेकंड है तो यहां 2 सेकंड से कम होगा और यहां 2 सेकंड से ज्यादा होगा। तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आवर्त काल
घटेगा और जब लिफ्ट नीचे आएगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा। अच्छा, उस केस में क्या होगा जब लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिरेगी, यानी ये लिफ्ट और ऊपर से ये डोरी है वो यहाँ से टूट गई है, मान लो ये डोरी ऐसे टूट गई यहाँ से, और इस केस में लिफ्ट नीचे गिरेगी जी त्वरण से, और यहाँ पे ये पेंडुलम है, और ये पेंडुलम आपको पता है अगर माध्य स्थिति से यहाँ विस्थापित हुआ तो माध्य स्थिति से विस्थापित होने के बाद में हम लोग क्या देखते हैं, उसका एम जी साइन थीटा इसको नीचे ला रहा है, तो यहाँ पे लिफ्ट भी नीचे आ रही है जी से, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस ए, ए भी कितना है जी, तो जीरो, यानी यहाँ पे भारहीनता होगी, कोई किसी प्रकार का त्वरण अंदर नहीं होगा, और भारहीनता होगी तो जहाँ पिंड होगा वहीं रहेगा, मतलब ये सरल लोलक अगर यहाँ है तो यहीं रुक जाएगा, यहाँ है तो यहीं ऐसे रहेगा, यहाँ है तो यहीं ऐसे रहेगा, यानी दोलन ही नहीं करेगा, और जब दोलन नहीं करेगा तो हम लोग वेट करेंगे कि कितनी देर बाद में वापस आएगा, एक दोलन कितनी देर बाद में पूरा करेगा, तो कभी नहीं पूरा करेगा, इसका मतलब आवर्तकाल कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जी इफेक्टिव कितना हो गया जीरो, तो आवर्तकाल कितना हो गया अनंत। तो हम लोग देखते हैं लिफ्ट के अंदर किसी सरल लोलक का आवर्तकाल किस प्रकार से परिवर्तित होता है, अगर लिफ्ट स्थिर है या नियत वेग से गतिशील है तो आवर्तकाल जो सतह पर होता है पृथ्वी की सतह पर वही होगा 2π√L/g, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो जी प्लस ए आएगा, लिफ्ट अगर नीचे आ रही है जी माइनस ए आएगा, और लिफ्ट अगर टूट करके गिर रही है यानी मुक्त पतन हो रहा है लिफ्ट का, या किसी भी केबिन का मुक्त पतन हो रहा है और उसके अंदर कोई पेंडुलम लटका हुआ है तो उसका आवर्तकाल इन्फिनिटी होगा। तो ये लिफ्ट से संबंधित सरल लोलक के बारे में बात हुई। यस, अगला मेरे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक पेंडुलम है ये, और ये पेंडुलम वायु से हटा करके हमने एक रो घनत्व वाले द्रव में डुबो दिया, ऐसे द्रव में, ठीक है, इस द्रव का घनत्व रो है, द्रव का घनत्व, और इसका खुद का जो बॉब है इस बॉब का घनत्व सिग्मा है, सिग्मा पिंड का घनत्व, और इसकी जो लंबाई है धागे की वो एल है ही। अब मैं अगर इसको यहां से ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ूं तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो बात वही है, आवर्तकाल टी इज इक्वल टू होगा, टी इज इक्वल टू 2π√L/g इफेक्टिव। अब हमें देखना है कि जी इफेक्टिव इस बार कितना है, तो हम लोग यहां पर देखते हैं जी इफेक्टिव है क्या, तो इसका एफबीडी अगर मैं बढ़ाऊं तो इसका एफबीडी इधर देखें, यह है एम जी फोर्स नीचे की तरफ और ये है उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ, बायंसी फोर्स, ठीक है, उत्प्लावन बल एफ ऑफ बी, ये हो जाएगा वी रो जी, वी रो जी है इस पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार, ठीक है, वी इंटू रो द्रव का आयतन, और वी आयतन रो घनत्व, तो वी इंटू रो द्रव का द्रव्यमान, और द्रव्यमान इंटू जी द्रव का भार, तो यहां से इसका इस पे जो इसका नेट जो भार है वो नेट भार हो जाएगा एम जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एम जी माइनस वी रो जी, क्लियर, एम इस पिंड का द्रव्यमान, अच्छा पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, पिंड का द्रव्यमान एम बराबर होगा सिग्मा इंटू वी, वी इसका आयतन है, तो यहां से मैं वैल्यू पुट करूं तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू वी इंटू जी इफेक्टिव इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वी इंटू जी माइनस रो इंटू वी इंटू जी, तो यहां से वी कैंसिल हो जाएगा, वी वी और वी कैंसिल हुआ, और जी इफेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो जी इफेक्टिव आएगा, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू यहाँ से जी कॉमन आ जाएगा तो सिग्मा माइनस रो अपॉन ये सिग्मा इधर जाएगा सिग्मा इंटू जी, ये आपका आया जी इफेक्टिव, क्लियर, तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - ρ/σ × g, और अब मेरे पास आवर्तकाल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो इस फॉर्मूले से टी इज इक्वल टू 2π√L/
ये z इफेक्टिव की जगह 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा इनटू z. क्लियर? यहां ध्यान रहे, रो द्रव का घनत्व है और सिग्मा डुबोए गए पिंड का घनत्व है. क्लियर? ये यहां पे आपके पास किसी द्रव में डूबे सरल लोलक का आवर्त काल है. नेक्स्ट एग्जांपल, मेरे पास एक अगेन एक सिंपल पेंडुलम है. ये यहां पे एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास m और ये इसका द्रव्यमान है और इस पर चार्ज q है, इस पर आवेश है q. अब मैं इसको दोलन नहीं करवा रहा हूं, ये ऐसे लटका हुआ है. अब मैं क्या करता हूं, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई करता हूं. तो यहां पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया ऐसे ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र हमने अप्लाई किया, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्लियर? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस आवेशित पिंड पर इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, तो डेफिनेटली ये वाला सरल लोलक है वो यहां आ जाएगा कुछ ऐसे और यहां आके अपनी संतुलित स्थिति में रहेगा, बिकॉज यहां पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg और इधर की तरफ फोर्स लगेगा q into e. जैसे m द्रव्यमान पर g गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो m द्रव्यमान पर g के प्रभाव में बल लगता है mg, ऐसे ही q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता e है, तो q आवेश पर e की प्रभाव में फोर्स लगेगा q into e. जैसे m into g था, यहाँ q into e है, यहाँ g गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ e विद्युत क्षेत्र की तीव्रता. तो इस केस में एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक यहाँ पे तनाव बल लग ही रहा है, तो इन दोनों का परिणामी लगेगा इस तरफ. अब आपको पता है ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो एफ नेट जो लगेगा वो एफ नेट होगा दो लंबवत बलों का जो परिणामी होता है वो अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 जीरो हो जाएगा. क्लियर? तो यहां से F1 की जो वैल्यू है वो है mz स्क्वायर और F2 की जो वैल्यू है वो है q into e स्क्वायर. तो ये नेट फोर्स हो गया. और अगर मैं फोर्स को त्वरण के परिभाषा त्वरण के रूप में लिखूं तो m into a इफेक्टिव, m का अगर भाग दूं तो यहां से a इफेक्टिव आएगा. a इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये m यहाँ से अपॉन में भेज दूंगा एम जी स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर और m को भेज दिया मैंने बट्टे में. अब मैं m को अंदर भेज दूँ ब्रैकेट के ऐसे ऊपर अंडर रूट के अंदर भेज दूँ तो यहाँ से मेरे पास a इफेक्टिव का जो फॉर्मूला आएगा a इफेक्टिव दैट इज अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर बिकॉज m स्क्वायर और ये भी m स्क्वायर होकर के अंदर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा प्लस क्यू ई बाई m का होल स्क्वायर. ये आपका ए इफेक्टिव आ गया और ये ए इफेक्टिव इस डायरेक्शन में लगेगा. तो अब अगर आप इस पेंडुलम को यहाँ से विस्थापित करोगे तो ये यहाँ पे ऐसे दोलन करेगा, यानी इसकी मीन पोजीशन है वो यहाँ नहीं होगी बल्कि मीन पोजीशन इस तरफ होगी और इधर की तरफ ये ऐसे दोलन करेगा और उस दोलन का जो आवर्तकाल होगा वो आवर्तकाल टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल अपॉन ए इफेक्टिव होगा, एल अपॉन ए इफेक्टिव. और यहां से ए इफेक्टिव की वैल्यू ये रही तो इसका जो आवर्तकाल होगा वो लिखा जा सकता है टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल अपॉन फिर अगेन ए इफेक्टिव भी अंडर रूट के अंदर है दैट इज जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वायर. ये अगेन सरल आवर्त सरल लोलक का आवर्तकाल हुआ गुरुत्वीय क्षेत्र जी गुरुत्वीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के प्रभाव में. क्लियर? तो ये भी एक अच्छा उदाहरण है. यस, अपन सरल लोलक पर एक और अच्छा उदाहरण करते हैं. जैसे ये मेरे पास एक सरल लोलक है इसके धागे की लंबाई L है और मास M है, ये लंबाई L और मास M. मैंने यहाँ पे L बाई टू पर एक कील लगा दी, ऐसी लंबी कील ऐसे और ऐसे ये धागा लटक रहा है.
तो जैसे मान लो अपन ऐसे समझें कि ये ऐसे धागा लटक रहा है और यहाँ पे ऐसे लंबी कील लटका दी, तो यहाँ से धागा इधर तो ऐसे जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आके टकराने के बाद में यहाँ से यहाँ का स्थिर हो जाएगा और इसके नीचे का इस तरफ जाएगा, सिर्फ नीचे का। तो यहाँ पे इसके दोलन कैसे होंगे, तो ये जैसे यहाँ से इधर गया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो इसके दोलन हुए ऐसे, ये यहाँ से वापस इधर आया, और जैसे ये यहाँ आएगा तो यहाँ आने के बाद में ये स्थिर हो जाएगा और इसके बाद में दोलन होंगे ऐसे, यहाँ से ये इधर ऐसे जाएगा। समझ गए होंगे मेरी बात, यहां से लेकर के यहां तक पूरा धागा ऐसे दोलन करेगा और फिर यहां से लेकर के यहां तक ये आधा धागा ऐसे दोलन करेगा। तो डेफिनेटली यहां पे आवर्तकाल कुछ अलग है और यहां पे आवर्तकाल कुछ अलग है। तो आपको पूछा है कि इसका इफेक्टिव आवर्तकाल कितना होगा, टी इफेक्टिव प्रभावी आवर्तकाल इसका कितना होगा। तो हम इसके सॉल्यूशन में बात करें, देखे मैं इससे इस साइड अगर देखूं तो L लंबाई का एक लोलक दोलन कर रहा है, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक तो आधा ही दोलन हुआ। तो अगर इस L लंबाई वाले सरल लोलक का जो दोलन काल है वो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G है, तो इस L बाई 2 वाले का उस हिसाब से अलग हो जाएगा दोलन। इसके मैं अगर दोलन काल की बात करूं तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी है इधर वाले की, और इधर वाले के अगर मैं दोलन काल की बात करूं तो T2, जैसे ये T1 है तो इसका T2 है वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई 2 अपॉन जी, क्योंकि इसकी लंबाई एल बाई 2। तो लेकिन ये इस तरफ सिर्फ आधे दोलन तक ही रहता है और ये इस तरफ भी सिर्फ आधे दोलन तक ही रहता है, तो इसका जो पूरा जो आवर्तकाल होगा वो पूरा आवर्तकाल होगा T इज इक्वल टू T1 बाई 2 प्लस T2 बाई 2, यानी आधा आवर्तकाल L लंबाई वाले दोलन सरल लोलक का और आधा आवर्तकाल L बाई 2 लंबाई वाले सरल लोलक का। तो यहां से T इज इक्वल टू 1/2 कॉमन आ जाएगा, और T1 और T2 की वैल्यू रखूं तो T1 की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस T2 की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 2g, और यहां से ये कॉमन आ जाएगा फिर से, तो यहां से 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉमन और ये बटे में 2 ये रहेगा ही, और अंदर रहेगा यहां पे 1 प्लस यहां पे रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, और यहां से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन रूट 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और अगर इस 2 को मैं यहाँ अंदर भी भेज दूँ तो एक ऑप्शन आपको ऐसा भी मिल सकता है जिसमें ऐसा लिखा हुआ हो T इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 2g, इसी में हमने इस 2 को g के साथ भेज दिया, तो ये इसका आवर्तकाल हुआ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो मेरे पास दो सरल लोलक हैं, एक सरल लोलक ये, ठीक है, और दूसरा सरल लोलक ये, दो सरल लोलक। इसके धागे की लंबाई L1 बराबर 1 मीटर है और इसके धागे की लंबाई L2 बराबर 16 मीटर है। ये दोनों एक जगह बंधे हुए हैं और दोनों को एक साथ ऐसे ऊपर ले जाकर के छोड़ा और फिर ये ऐसे दोलन कर रहे हैं, डेफिनेटली दोनों की लंबाइयां अलग अलग है तो दोनों के आवर्तकाल अलग अलग होंगे, तो एक तो ऐसे जल्दी वापस आ जाएगा और लंबा वाला वो है वो धीमे वापस आ जाएगा, मतलब धीमे वापस आएगा। तो आपको पूछा है कि कितने दोलनों के बाद में वो फिर से वापस समान कला में होंगे, समान कला में मतलब दोनों एक साथ चरम बिंदुओं पर होंगे।
अभी शुरुआत में इन दोनों को पकड़ करके चरम बिंदुओं पर एक साथ लेके गए और फिर वो दोलन कर रहे हैं, ये वाला ऐसे फास्ट दोलन कर रहा है और वो ऐसे धीमा दोलन कर रहा है। तो पूछा है आपको कितने समय बाद में दोनों फिर से समान कला में कंपन करेंगे। समान कला में मतलब दोनों एक साथ चरम बिंदुओं पर या फिर दोनों एक साथ साम्यावस्था पर, ऐसे ठीक है। तो दोनों एक साथ समान कला में कंपन कर्व करेंगे तो मैं बात करूं इसके आवर्तकाल की, तो इसका आवर्तकाल तो हो जाएगा आपके पास T1 बराबर 2 पाई अंडर रूट L 1 अपॉन G और इसका आवर्तकाल T2 बराबर 2 पाई अंडर रूट L 2 अपॉन G। यहाँ L1 और L2 की अगर अपन वैल्यू रखें तो यहाँ से T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन G और यहाँ पे वैल्यू रखूँ तो T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 16 बटा G और 16 अंडर रूट से बाहर आया 4 तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 और फिर ये 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन G, यानी इसका आवर्तकाल इसके 4 गुना हो गया। और अब देखो अब कॉन्सेप्ट क्या है, समान कला में होने का रीजन है कि ये कुछ दोलन घूम करके वापस यहाँ आया और ये कुछ दूसरे दोलन घूम करके वापस यहाँ आया, तो मैं कहूँ कि ये N1 दोलन पूरे करके वापस यहाँ आया, उस समय ये N2 दोलन तय करके यहाँ आया, तो समय तो वही है। ये भी T बराबर 0 पर हम लोगों ने दोनों एक साथ छोड़े और अब किसी समय T पर फिर से दोनों एक साथ आए, लेकिन उस समय अंतराल के दौरान, वो जो समय अंतराल था T, उस समय अंतराल के दौरान इसने दोलन पूरे किए N1 और इसने दोलन पूरे किए N2। तो आपको पता है इसका आवर्तकाल कितना है T1, तो इसको समय कितना लगा N1 into T1 और इसका आवर्तकाल कितना है T2, तो इसके दोलन N2 है तो इसको समय कितना लगा N2 into T2, लेकिन वो समय तो सेम है क्योंकि उतने ही समय में इसने N1 दोलन तय किए और उतने ही समय में इसने N2 दोलन तय किए, तो यहां पे हम लोग कहेंगे N1 into T1 is equal to N2 into T2। यहां N1 into T1, T1 की वैल्यू ये रही आपके पास 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन G और N2 into T2 की वैल्यू ये रही 4 2 पाई अंडर रूट 1 इंटू जी और ये पूरी तरह से इससे कैंसिल हुआ तो यहाँ से n1 वन इज इक्वल टू 4 एन टू, यानी यहाँ से n1 वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि यदि दूसरा सरल लोलक एक दोलन पूरा करेगा उतने समय अंतराल में पहला सरल लोलक 4 दोलन पूरे कर लेगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह समान कला में इसके 4 दोलनों के बाद में समान कला में होंगे और इसके 1 दोलन के बाद में समान कला में होंगे, अगली बार इसके 8 दोलनों के बाद में समान कला में होंगे और इसके 2 दोलनों के बाद में समान कला में होंगे। तो जैसे मान लो मैं यहां पे 2 रखूं तो एन वन कितना आएगा 8, यहां पे 3 रखूं तो एन वन कितना आएगा 12। तो आपको पूछा जाता है कि L1 लंबाई के सरल लोलक के कितने दोलनों के बाद में पहली बार ये दोनों समान कला में होंगे, तो 4 दोलनों के बाद में और इसके 1 दोलन के बाद में, और अगर ये अनुपात आता मान लो 3/2, ये तो अनुपात आ गया एग्जैक्ट 4, और अगर ये अनुपात आता 3/2 तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले सरल लोलक के 3 दोलन और दूसरे सरल लोलक के 2 दोलन होंगे तब ये वापस समान कला में होंगे, फिर अगली बार इसके 6 दोलन और इसके 4 दोलन, इसके 9 दोलन और इसके 3, 6, 9 और इसके 6 दोलन, तो फिर से ये वापस समान कला में होंगे, क्लियर। तो यहां पे इस टाइप का इक्वेशन भी अच्छा बनता है, तो इस पे भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया सरल लोलक के संबंधित उसके एग्जाम्पल और सरल लोलक को, और कल हम लोग किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, कई सरल आवर्तगति के अगले उदाहरण पे डिस्कशन करेंगे।